दोस्तों, आप सभी का डी के डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें। तो देखिए, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहे हैं। देखिए, फ्यू ए फ्यू और द फ्यू का फ्यू ए फ्यू और द फ्यू के प्रयोग में वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं और इसका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, इसका मतलब हो गया देर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब ना के बराबर एक भी बच्चा नहीं है क्लास में। देर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में मतलब एक भी रुपया नहीं है। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ और इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, कक्षा में कुछ लड़के हैं, एक आध दो लड़के। देर आर फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में कुछ अच्छी पुस्तकें कुछ ही हैं। तो द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ भी बचा हुआ सब कुछ, और इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, मैंने वो सभी पुस्तक पढ़ ली हैं जो लाइब्रेरी में है। द टीचर टोल्ड द फ्यू बॉयज इन द हेड कम, अध्यापक कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट हेड कम जो आए हुए हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।